जानकी बंडगर रोड पर बामोरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से भक्ति का रस और गंगा बह रही है। भक्त श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। परिवार जनों के साथ इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा और धार्मिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि संपूर्ण प्राणी मात्र का भला हो सके। लोगों का धर्म के प्रति लगाव रहे, भक्ति के प्रति लगाव रहे और विश्व का भला हो, इसी कामना को लेकर ग्रामीणों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और धार्मिक कार्यक्रम यहां पर किए जा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण जन भक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं परिवार के साथ और यहाँ पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल भी हो रहे हैं। माता पिता को प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो, ब्राह्मणों को प्रणाम करो, अपने से बड़े हैं उनको प्रणाम करो। भैया बताइए, यह कौन सा गांव है और यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और कितने दिन तक यह कार्यक्रम यहाँ पर होंगे? ये गांव बमोरा है और सभी नागर समाज बमोरा द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये पहला वर्ष है जो इस बार हमें अच्छे से कार्यक्रम सफल बना। कितने दिन तक यह कार्यक्रम आयोजित होगा? 12 फरवरी से 18 फरवरी। अच्छा, प्रथम बार में किया जा रहा है? प्रथम बार में। कौन कौन से यहाँ पर कार्यक्रम होंगे, धार्मिक कार्यक्रम, और क्या रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे जो 7 दिन की भागवत जी है, उसके बाद में नाइट संध्या का कार्यक्रम रखा गया है और एक दिन सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा गया है और आज कृष्ण जन्मोत्सव है और कल रुक्मणी होगा। श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने से नागर समाज द्वारा आयोजित किया गया है जिसमें सभी ग्रामीण वासियों का फुल सहयोग है। आज कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी ग्रामीण वासी शामिल होंगे और आगे रुक्मणी विवाह पूर्णावती में भी सभी का सहयोग रहेगा। भजन संध्या रात्रि में आरंभ की जाती है 7 बजे से, इसमें सभी शामिल हो, ये हमसे हमारी निवेदन रहता है सभी से और सभी भरपूर उत्साह के साथ शामिल होते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।